तो आज हम इसमें बात करते हैं कि फ़िशेस के लिए कौन सा ग्रेवल बेहतर, कौन सा सबस्ट्रेट बेहतर है, बालू या ग्रेवल, सैंड या ग्रेवल। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपने फ़िशेस के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें, सैंड इस्तेमाल करें या ग्रेवल इस्तेमाल करें, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, जैसे आप लोगों को इसके बेनिफिट्स और इसकी मालूम हासिल हो। जैसा कि एक आमतौर पर बात की जाए तो सैंड जो है, बालू जो है, बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होती है और फिशेस के लिए भी बहुत स्मूथ होता है, और फिशेस इसके अंदर आसानी से स्विम कर सकती है। सॉफ्ट होने की वजह से फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसका मेन बेनिफिट जो है, अगर आप सैंड इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने कहा कि उसके अंदर जो है ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होता है, और अगर आप अंडर ग्रेवल फिल्टर इस्तेमाल करते हैं टैंक के अंदर, तो आप ये ग्रेवल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ग्रेवल भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं और पानी भी क्लीन रहेगा। लेकिन एक बात है, अगर आप ग्रेवल इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। जैसा कि मैंने कहा कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता। अगर आप नॉर्मल ग्रेवल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बड़े पत्थरे होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो मीडियम होते हैं, तो उसके अंदर गैप होता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर और नीचे सबस्ट्रेट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। जब आप सैंड इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से वो जगह ब्लॉक हो जाती है। जगह ब्लॉक होने की वजह से टॉक्सिक वजह होता है, और पानी जो है बहुत जल्दी स्मेल करना शुरू कर देता है, और पानी जल्दी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार क्लीन करेंगे वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करके, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो बहरहाल बात यह है कि आप सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं तो सैंड इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतर है। अगर आप छोटे फिशेज रख रहे हैं, जैसा कि गप्पीस है, सिटलेट्स है, या ब्लेको फिशेज है, बॉटम डीलर्स हैं, इस तरह के छोटे फिशेज रखते हैं तो सैंड रखना बेहतर है। अगर आप बड़े फिशेज रखते हैं, जैसा कि सिटलेट्स है, तो उनके लिए बेहतर है कि आप ग्रेवल इस्तेमाल करें। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सैंड इस्तेमाल करना या ग्रेवल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा ही ओपन टैंक रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि ओपन टैंक ना रखें, क्योंकि ग्रेवल सबस्ट्रेट ज़रूर रखें, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होता है, और अगर जो फिशेस पोटी करती है तो जाकर वो ग्रेवल के अंदर छुप जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर भी गंदगी ज़्यादा नहीं होती और टैंक का लुक भी जो बहुत अच्छा होता है। इसलिए ग्रेवल या सैंड ज़रूर इस्तेमाल करें, बेहतर है कि अगर आप छोटी फिशेस रखते हैं तो सैंड इस्तेमाल करें। तो बहरहाल बस सिंपली बात है कि छोटे फिशेस के लिए सैंड इस्तेमाल करें, बड़े फिशेस के लिए ग्रेवल का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी वीडियो के साथ चलते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।